अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ बिरयानी। तो मैंने यहाँ लिया था प्याज और ऑयल, और इसमें मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। उसके साथ मैंने इसके अंदर ऐड किया स्पाइस में टर्मरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर एंड फ्लैक्स चिल्ली और सॉल्ट, ग्रीन मिर्चें, और साथ में मैंने खड़ा मसाला इसमें ऐड किया था। अभी मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, और टमाटर जब थोड़े से गल जाएंगे उसके साथ मैंने फिर इसमें इस्तेमाल किया अदरक और लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद मैंने चिकन को मैंने यहाँ लगा के रखा था सिरका, क्योंकि इसमें थोड़ी स्मेल होती है वो चली जाएगी, और उसको वॉश करके, अच्छे से वॉश करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको भून लूँगी। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर मिंट और लेमन और ये इमली डाली है। साथ में मैंने थोड़ी सी किशमिश इसमें इस्तेमाल किया है बिरयानी के लिए, ये बहुत ही मज़े की लगती है। और अभी मैं इसको भून लिया। भूनने के बाद यहाँ मैंने राइस बॉईल किया है। राइस बॉईल करने के बाद मैं इसको दम लगा रही हूँ, और हल्का सा ऑयल से आप इसे ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर जो मैंने बनाया था चिकन वो मैंने इसके अंदर डाला है, लेयर लगाई है। उसके साथ मैंने राइस की लेयर है, और इसके बाद ये मैंने जो मैं जब बनाती हूँ ये चिकन वगैरह, तो उसका जो मसाला बनाती हूँ उसमें ऑयल में थोड़ा कम लगाती हूँ, और फिर बाद में मैं ऑयल ऑलिव ऑयल इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि चावल जो है वो खड़ा खड़ा रहे। अभी इसके बाद मैंने लेयर लगा ली है। दो लेयर लगाने के बाद मैंने यहाँ मिंट के लीफ हैं वो मैंने इसके अंदर स्प्रेड किए हैं। उसके साथ ही मैं थोड़ा सा ऑयल ऑयल डालूँगी, और ये मैंने इसमें कलर फूड इस्तेमाल कर दी है। अभी इसको मैं दम पे रख दूँगी